अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने वाली हूँ, जिसने मेरे जीवन को बदल दिया, पूरी तरह से मुझे बदल दिया। मैं एक बहुत डरपोक लड़की थी, इतनी डरपोक थी कि मुझे सक्सेस से डर लगता था, कहीं मैं सक्सेस ना हो जाऊँ। मेरे को लगता था कहीं मैं सक्सेस हो गई तो मैं क्या सचमुच कर पाऊँगी कुछ, कहीं वहाँ जाके मेरी बेइज्जती हो जाए, मैं ये सोचती थी। और इसीलिए मुझे हर जगह हमेशा लाइफ में, हर फील्ड में, हर जगह हमेशा हार ही हार मिली। मैं कुछ भी करने जाती, मुझे मैं कहीं पर भी टिक नहीं पाती थी। हर फील्ड में मुझे हमेशा हार मिली। मेरे घर वाले मुझे कोसना स्टार्ट कर दिया, बोले तू कुछ काम की नहीं है, तू बेकार है, तेरे लिए तेरी कोई वैल्यू नहीं है। पता नहीं क्या क्या, मतलब मैं हद थी, इतनी ज़्यादा बुरा उस टाइम मैं इतनी हार गई, इतनी मैं, हालांकि परमेश्वर के बारे में जानती थी, मेरी सिस्टर के थ्रू मेरे को पता लगा था उनके बारे में, परमेश्वर के बारे में, लेकिन फिर भी मतलब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं परमेश्वर के लिए खड़ी हो पाऊँ, क्योंकि मेरे घर वाले जाट फैमिली हैं तो काफ़ी अगेंस्ट थे इस चीज़ के। मेरी बहन ने बहुत दुख सहे, मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं दुख सह सकूँ, इसलिए मैं बैठ गई। मैम नहीं, मेरे बस की नहीं है, मैं ये सोच के बैठ गई। मेरे को मेरी सिस्टर ने कहा तू सब कुछ छोड़ दे, तैयारी व्यारी कुछ मत कर, जो वो के लिए मैं सोचती जो मिल जाएगी तो शायद मेरी प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। हार के मैं बैठ गई। उसने कहा तू सिर्फ प्रार्थना कर, कुछ मत कर, सब कुछ परमेश्वर पे छोड़ दे, बस ये बोल परमेश्वर मेरे जीवन में वही हो जो आप चाहो। मैंने ऐसे ही प्रार्थना करनी शुरू की, परमेश्वर जो आप चाहो ना वो मेरे जीवन में करो, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं कुछ नहीं सोचूंगी अपनी लाइफ के बारे में। मैंने सब कुछ परमेश्वर पे छोड़ दिया, सब कुछ करना मैंने, बस मैं घर में रहती, प्रार्थना करती, जो टाइम मेरे को मिलता छुप के करती, क्योंकि मेरे घर में अलाउ नहीं था बाइबल पढ़ना भी, लाना था, कभी टाइम मिलता छुप के, अगर मेरे को ये मौका मिलता मैं पढ़ लेती थी। मैंने यही प्रार्थना शुरू की कि परमेश्वर मुझे बचाओ, बस मेरे को यहाँ से निकालो, कुछ भी करो, जो आप चाहो वो करो। फिर एकदम से मतलब परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और कुछ ऐसा अद्भुत किया कि मेरे, मैं पूरी तरह से विश्वास में, मैंने बैप्टिज्म भी ले लिया और मतलब इतना परमेश्वर ने मुझे बदल दिया कि आज मेरे को किसी चीज़ से डर ही नहीं लगता। मेरे को जब मैंने बोला कि मैं पहले छुप छुप के आती थी चर्च भी, कभी आ जाती जब मौका मिलता, तो फिर मैंने कहा नहीं मेरे को चर्च जाना है, मैंने घर वालों के सामने कहा मेरे को चर्च जाना है। मेरे पापा इतना मोटा डंडा लेके बैठे, बोला तू गई आज तेरे पैर तोड़ने हैं, पक्की बात है, और अगर बाई चांस तू निकल गई फिर भी तो तेरे को घर में नहीं घुसने देना, तू निकल के दिखा आज। मेरी मम्मी बड़ी, बहुत बड़ी मूर्ति पूजक है, उन्होंने पापा को चढ़ा दिया कि आज तो इसको जाने नहीं देना किसी भी हालत में। मैं चलो ठीक है माँ, मेरे को भी आज जाना है, क्योंकि कभी ना कभी तो मेरे को ये स्टेप उठाना पड़ेगा, आज नहीं जाऊँगी तो नेक्स्ट संडे को तुम ऐसे ही करोगे, मेरे को जाना है आज ही जाना, और बस जाना है। मेरे को अंदर से ही और था परमेश्वर मेरे को बोले तुम बस निकल जाए यहाँ से, कुछ भी कर लो निकल यहाँ से। उस टाइम मैं बैठ गई, मैं कहा अभी निकलूँगी पिटूँगी, जाने नहीं देंगे, फ़ायदा क्या है। मैं बैठ गई थोड़ी देर के लिए, मैं देखती रही, बोले तेरे को घर में नहीं घुसने दूंगा अगर तू निकल गई तो, आज पहले बता रहा हूँ तुझे मैं। मैं ठीक है, मैंने अपने उठा के डॉक्यूमेंट रख लिए अपने पास। मेरी सिस्टर बोली है तो घर छोड़ के जाएगी आज, और मैंने सोच लिया कि मेरे को तो आज निकलना ही है, मतलब चाहे कुछ हो जाए। फिर पापा इधर उधर काम में लगे, उन्हें लगा अब नहीं जाएगी, एक घंटा हो गया, दो घंटे हो गए, पापा गए उधर, मैं फिर से निकल गई। और रास्ते में मैं निकल तो गई, मुझे इतना डर लग रहा कि परमेश्वर मैं निकल तो गई हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ नहीं जानती किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि घर में रहती थी ज़्यादातर, तो दुनियादारी की तो कोई नॉलेज ही नहीं है, ऊपर से इतना कुछ सुनने को मिलता आजकल लड़कियों के साथ ये वो। मैं बड़ी परेशान यहाँ पर भी आई, मैं पास्टर उस दिन थे नहीं, मैं सोचा पास्टर से बात करूँगी, पास्टर भी नहीं थे, सब ने कहा नहीं वापस चली जा, ऐसे नहीं होगा। मैं नहीं, परमेश्वर ने कहा है जो परमेश्वर कहिए ना वही करूँगी, नहीं जाने वाली मैं। मैंने फिर ऐसे ही बैठ के सामने प्रार्थना करी, परमेश्वर बताओ क्या करूँ। मैं कहा फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया अगर पापा बुलाएंगे तो जाऊँगी, नहीं तो नहीं जाऊँगी। शाम को जब मैं घर मैंने सोच लिया नहीं अब फ़ोन नहीं आने वाला, मैं नहीं जा रही, कहाँ जाऊँगी कुछ नहीं पता, ना कुछ सोचा ना कुछ किसी को जानती। अब मैं सोच रही परमेश्वर क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर उसके बाद शाम को पापा कहा ऐठ में फ़ोन कर रहे, कह रहे घर आ रही है, मैं कहा नहीं आ रही और ये नहीं पता कहाँ जाना है। अब मैं उस टाइम पे अपने एक भाभी के साथ थी, मैं कहा भाभी आज आज के लिए रख लो, कल से परमेश्वर देखेंगे। मैंने ऐसे ही चर्च में बात की एक लड़की से, जॉब के लिए बात कर ली, रहने के लिए परमेश्वर ने मतलब सब कुछ अपने आप तैयार कर दिया, आगे से आगे रहने के लिए भी इतनी अच्छी जगह दिलवा दी मुझे, ऐसा लगा अपने घर में बैठी हूँ। और दो दिन के अंदर मेरे घर वालों ने, मेरे परिवार, परमेश्वर ने मेरे घर वालों को इस तरह बदला कि मैं जब दो दिन के बाद घर गई ना, मेरे पापा बोले इसकी गलती नहीं है, मेरी मम्मी को बोले तेरी गलती है सारी बोले अगर तू अगर ऐसे नहीं करती ना तो ये घर छोड़ के नहीं जाती।
पिछले संडे को गई थी, मैंने मेरे सामने गई थी, मैंने कुछ नहीं कहा था, चुपचाप आ गई थी। और अगर तू नहीं करती ना तो याद वापस आ जाती, तेरी वजह से सारा कलेश हुआ ही है। और अब मैं आती ना, मेरी मम्मी चुपचाप बैठी रहती है, कहती टाइम से आ जाइए बस।